वेलकम टू माय चैनल पंकुड़ी क्लासेस फ्रेंड। आज रीजनिंग का सेशन है, तो रीजनिंग के सेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है विंबलडन ट्रॉफी टेनिस, तो वॉकर कप का संबंध किससे होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, विंबलडन ट्रॉफी है ये प्रतियोगिता है, ठीक है। विंबलडन ट्रॉफी जो किसमें दी जाती है, टेनिस में। उसी प्रकार जो वॉकर कप है वो किस में दिया जाएगा, जो वॉकर कप है वो गोल्फ में दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। इसमें बोला है स्ट्रेन का ट्रेन है तो स्टेबल का क्या होगा। तो स्टेबल देखिए इसमें क्या बता रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये देखिए TRAIN, इसने मतलब क्या छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया है, बाकी सेम टू सेम पूरा लिख दिया है। ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे, बाकी सेम टू सेम पूरा लिख देंगे, टेबल लिख देंगे। तो टेबल किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। इस क्वेश्चन को बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बोला था कि नंबर से याद होगा तो जल्दी क्वेश्चन निकल आएगा, ठीक है, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नंबर बता देता हूं मैं कैसे। देखिए ये ABCD सबको आती होगी, ABCD में ई 5 नंबर पे आता और 10, 15, 20, 25 तो ये 26 पे रहता ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें ये पता है ए 1 पे, बी 2 पे, 3 सी पे, डी 4 पे और ई 5 पे है। एफ है, एफ को अगर हम ऐसे कर ये ऐसे मिला देंगे तो ये उल्टा कर देंगे 6 हो जाएगा, और जी है, जी को ऐसा कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। जी 7 पे इसको ऊपर कर देंगे ये ऐसा तो 8 हो जाएगा, इसको ऐसा कर देंगे तो ये 9, ठीक है, ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। के है, के का ये ऐसा कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। एल, एल का थोड़ा ऊपर हूं ऐसा कर देंगे तो ये 12, एम का नीचे पे घुमा देंगे इसको ये 13, और एन, एन को हम क्या करेंगे ऐसे कर देंगे और 1 कर देंगे तो 14, ओ 15 पे है। पी, पी के आगे ऐसे डंडा लगा देंगे, एक नंबर लिख देंगे तो 16 हो जाएगा, और क्यू इसको ऐसे कर देंगे और 1 कर देंगे तो ये 17, ठीक है। आर, आर को हम नीचे से ऐसे कर देंगे और ये ऐसे कर देंगे तो ये 18। एस, एस को ऐसे कर देंगे ऐसे तो ये बन जाएगा 19, और T20 पे होता है, ठीक है। यू, यू के लिए हम ऐसे कर देंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे तो 21, सॉरी ऐसे हो जाएगा ये 21, ठीक है। और इसके लिए भी हम ऐसे कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 22, और ये इसके आगे 2 लगा देंगे तो 23, ठीक है, और ये 24 पे तो 2 आगे लगा देंगे तो 24/25 तो होता है, जेड 26 तो होता है, ठीक है। ये लॉजिक है छोटा सा, अगर ये मैं अपने तरीके से मैंने खुद बनाया है तो अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, बाकी तो यह है कि मैं इसी से करता हूं, ठीक है। अब करने की कोशिश करते हैं, एन 14 पे, ए 1 पे, एम 13 पे, ये ओ 15 पे, ठीक है, ये 15, ये 3, ये 16, ये 19, ठीक है, जी 7, ओ 15, डी 4 और एस कितने पे, 19 पे। अब ये देखिए एन 14 पे तो एक क्या हो रहा, 15 पे ओ, तो प्लस 1, इसमें प्लस 2, इसमें प्लस 3, इसमें प्लस 4, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, जी के बाद क्या आएगा, जी 7 पे तो 8 पे क्या आएगा, एच, एच है, एच अब ऑप्शन में है, अब ऑप्शन से देखेंगे 15 और 3, 2 प्लस करेंगे 15, 16, 17, 17 पे क्या आता है हमारा, 17 पे आता है क्यू, तो इधर हो जाएगा ये एच क्यू,
और फिर 14, सॉरी डी, डी 4 पे, और 4 में कितना प्लस करेंगे, 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस करेंगे तो 7, 7 पे क्या आता है, जी, जी आता है ना। अब ये देखिए एच क्यू जी किसी में है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, S19 क्या आता है, उसमें 4 प्लस कर लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने वाला, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है, 50:65, ठीक है, और 101, और इसका बताना है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको करने के लिए ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस 1 50, और ये 8 का है प्लस 1 कर देंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65, ये किसका है, 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 101, तो ये कितने का स्क्वायर होगा, 11 का होगा, 7 8 10 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, और 121 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 122, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये इसमें बताना है, जो 3 से भिन्न है वही बताना है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला देखिए, बातचीत करना, पैदल चलना, निद्रा लेना और खेलना, इसमें बताना है 3 से जो भिन्न है, मतलब जो अलग है 3 से, बातचीत करना, पैदल चलना, खेलना, हमें ऐसा लग रहा है कि जो बातचीत करना, पैदल चलना, खेलना, ये क्या है, जागृत अवस्था, मतलब जब हम जागते हैं तब ये सब काम करते हैं, लेकिन निद्रा लेना ये अलग हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है।